हेलो एवरीवन, माय नेम इज अधीश शर्मा। मैं आज सेकंड सेशन के लिए आया हूँ। मैंने एक सेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर करवा चुका है, अब वन ईयर हो चुका है, अभी नवंबर चल रहा है, तो मैं सेकंड सेशन के लिए आया हूँ। पहला सेशन मेरे का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था ओवरऑल। इस एरिया की वजह से मेरे को सेकेंड सेशन जो है वो करवाना पड़ रहा है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरा पूरा हेड कवर हो जाए। तो मेरी सर्जरी आज कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें लगभग 3000 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे। जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है नीडल्स के थ्रू, उसमें थोड़ा पेन होता है, बाकी उसके बाद आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जो सर्जरी हुई है एक तरीके से बॉडी के लिए, इसको रिकवर करने में इंपॉर्टेंस दे, ट्रांसप्लांट के साथ आपको पीआरपी सेशंस भी दिए जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अधीश शर्मा। बेसिकली आई बिलोंग टू देहरादून सिटी। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट, ये मैं आज सेकंड सेशन के लिए आया हूँ। मैंने एक सेशन ऑलरेडी लास्ट ईयर करवा चुका है अराउंड अक्टूबर नवंबर में। उसमें मेरा ग्रेड 4 या 5 का मेरा बॉल्डनेस पैटर्न था, उसमें अराउंड मेरे को 5000 के अराउंड ग्राफ्ट लगे थे। तो नियर अबाउट अब वन ईयर हो चुका है, अभी नवंबर चल रहा है, तो मैं सेकंड सेशन के लिए आया हूँ। पहला सेशन मेरे का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था ओवरऑल, क्योंकि पहला सेशन था उसमें काफ़ी नर्वस भी था मैं, उसमें काफ़ी क्वेरीज भी थी, पर अब मेरी सारी क्वेरीज में उनको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या फॉलोअप होता है। तो हाँ, उन सबको ध्यान में रखते हुए सेकंड सेशन के लिए मैंने डिसाइड किया है। तो जैसा मैं कह रहा था, ये सेकंड सेशन के लिए मैं जा रहा हूँ। इसका अभी मेरा क्राउन का एरिया बच गया है, ये जो आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। इस एरिया की वजह से मेरे को सेकंड सेशन जो है वो करवाना पड़ रहा है। बाकी होप करता हूँ कि आफ्टर 2 सेशन जो कि अराउंड 3-4 मंथ्स में इसका विजिबल रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरा पूरा हेड कवर हो जाए। बाकी जो भी सेकंड सेशन का मेरा ग्राफ्ट्स बताए गए हैं, जो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद बताए गए हैं, और जो कि मेरे को उम्मीद है, वो अराउंड 2500 के अराउंड अप्रॉक्स ग्राफ्ट्स लगेंगे क्राउन एरिया में मेरे क्राउन, ठीक है। और बाकी इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर रिजल्ट्स क्या रहते हैं। बाकी सेकंड सेशन के बाद आपसे मिलते हैं, जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा, जैसे अभी कर रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी सर्जरी आज कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सेकंड डे जो सर्जरी का हुआ था, उसमें मेरे टेम्पल्स, ये आप देख सकते हैं, और मेरा क्राउन एरिया, ये 2 चीज़ हुई हैं। इसमें लगभग 3000 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे, ठीक है। मेरा लगभग आज का जो प्रोसीजर था वो 4 घंटे चला है, उसके बाद मेरे को फ्री किया गया है 4 घंटे के बाद। बाकी ओवरऑल प्रोसेस का बात करें तो स्टार्टिंग में जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है नीडल्स के थ्रू, उसमें थोड़ा पेन होता है, बाकी उसके बाद आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे इससे पहले मेरा कल पूरा डे का प्रोसीजर था, उसमें मेरे को बस स्टार्टिंग का आधा घंटे में पता चला, जब हमें एनेस्थीसिया दिया गया था, उसके बाद हमें
नॉर्मल कुछ भी पता नहीं चलता है, ना कुछ पेन होता है, ना नमनेस हो जाती है पूरी, उससे कुछ पता नहीं चलता है। तो फाइनली अब मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है हेड का। पहले मैंने पहले सेशन में मैंने आगे का फ्रंटल एरिया करवाया था, और अब जो अभी मैंने आपको बताया उसमें दूसरा जो सेशन हुआ है उसमें क्राउन और अपना टेंपल जो है। तो अब होप करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हों, है ना। जैसे कि आपको पता है कि मेरे दो प्रोसीजर्स हुए हैं, दो सर्जरी हुई हैं, एक फ्रंटल की और दूसरी जो है वो क्राउन और टेंपल्स की, ठीक है। इस दौरान मेरे को जो फ्रंटल की सर्जरी हुई है और क्राउन और टेंपल की सर्जरी हुई है लंबी चली है, मतलब दोनों सर्जरी मेरी दो दिन चली है लगभग। इन दोनों सर्जरी के बीच में मेरे को रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दी गई हैं, ब्रेक दिए गए हैं, बीच बीच में पेन का भी इतना पता चलता नहीं था, तो नींद भी आ जाती थी, तो प्रोसीजर चल रहा है हमें नींद आ जाती थी तो उसका भी पता नहीं चलता था कि हाँ भाई हमारा प्रोसीजर अभी भी ऑनगोइंग है या नहीं है। तो मतलब कहना चाहें तो एक तरीके से पेनलेस प्रोसीजर है, बस हाँ स्टार्टिंग में जब आपको पेन किलर्स या फिर एनेस्थीसिया बोले आप वो दिया जाएगा तो आपको थोड़ा पेनफुल महसूस होगा, उसके बाद आपको सब नॉर्मली महसूस होगा, उसको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसे आप देख रहे हैं मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है हेड का ट्रांसप्लांट, अब रिजल्ट्स की बारी है, उसका वेट करते हैं। जो मैं एक्सपीरियंस कहता है हेड ट्रांसप्लांट का, जैसे कि जिनको हेयर फॉल हो रहा है जो अर्ली 20s में है या फिर अब तो 15-16 की एज में भी लोगों को मैंने देखा है हो रहा है, पर हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन रखिए, तभी रखिए जब आपके पूरे ग्राफ्ट्स जा चुके हों, क्योंकि ऐसा होता है जब भी आप करवा देते हो तो उसके बाद जो आपके पुराने ग्राफ्ट्स होते हैं वो जाते हैं, फिर आपको लगेगा कि आपका प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आया, तो फिर आप जहाँ से भी आपने करवाया उनको मतलब जो भी है वो एक्सपायर जो भी कहेंगे। पर हाँ आप ध्यान रखिए कि जिनको भी ये चीज़ हो रही है या तो आप पहले ही टेक केयर करिए, अगर बाई चांस टाइम निकल गया जैसा मेरा निकल गया था तो मेरे को तो करवाना पड़ा और वो अच्छा भी रिजल्ट आया फर्स्ट सर्जरी में। बाकी रही होम रेमेडीज़ की बात, आपको जैसे पता है सभी को सबका बॉडी टाइप बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, मेरा बॉडी टाइप बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपका अलग है, तो किसी को होम रेमेडीज़ सूट करती है किसी को नहीं करती हैं। होम रेमेडीज़ में भी रेगुलर मतलब आजकल क्या है कि हर कोई इतना टाइम नहीं दे पाता है, जब टाइम निकल जाता है तब लगता है कि उस टाइम कर देना चाहिए था, है ना, तब तक लेट हो जाती है। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट तब काम की चीज़ है जब आपको लगे आपकी ये काफ़ी लेट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, और आपके लिए बेटर भी है। थोड़ी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है, पहले भी रखना पड़ेगा इसमें भी रखना पड़ेगा ही, वो दोनों में कॉमन है। बाकी यस ये दोनों चीज़ें रहेंगी, बाकी आप जैसे आपको फ्रूटफुल लगे। प्रिकॉशंस की बात करें तो ज़्यादा टिपिकल प्रिकॉशंस मेरे को नहीं बताए गए, सिंपल प्रिकॉशंस थे। जैसे मेरे लिए दूसरी सर्जरी है तो मेरे को थोड़ा आइडिया भी था, थोड़ी नॉलेज भी थी इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी। इसमें जो आपको बस ध्यान रखना होता है वो मेन सनलाइट का होता है, डस्ट पार्टिकल, जैसे किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है जो डस्ट से रिलेटेड होती है तो उसको चीज़ को अवॉइड करें, धूप डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें, और क्या बोलते हैं डाइट का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, ठीक है। फिजिकल थोड़ा फिजिकल, जैसे मैं जिम जो जाते हैं मैं जाता था तो उसको थोड़ा 15-20 दिन अवॉइड करना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से बॉडी को ये जो सर्जरी हुई है एक तरीके से बॉडी के लिए इसको रिकवर करना है मैं इम्पोर्टेंस देगी बॉडी, तो उसकी बजाय आप रेस्ट करिए जितना हो सके, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, मैं आपसे यही कहूँगा। बाकी लास्टली जो ट्रांसप्लांट के साथ आपको PRP सेशंस भी दिए जाएंगे, उस सेशंस के लिए मैं आऊँगा, तब आपसे मिलते हैं पहले PRP सेशंस के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।